भारत में सीमाओं की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात रहती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस सरहद की कौन सी सुरक्षा बल उसकी रक्षा करती है, यानी कि भारत में जो अलग अलग बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर या नेपाल का बॉर्डर, बांग्लादेश की बॉर्डर, तो कौन सी फोर्स उसकी रक्षा करती है। देखिए, म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स की है, यानी कि असम राइफल्स एक नाम है जो एक मिलिट्री ग्रुप है, वो म्यांमार और इंडिया की जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करती है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने की इनकी अहम भूमिका है। अगर नेपाल बॉर्डर की बात करें तो नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी करने की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की है। नेपाल सीमा से हथियारों, गोला बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों के अवैध रूप से भारत में आवाजाही रोकने के लिए इसकी अहम भूमिका होती है। और चीन बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। इसका काम सीमा पर अपराधों, तस्करी और अनधिकृत प्रवेश को रोकना होता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। BSF का गठन 1965 में किया गया था, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद इसका गठन किया गया था। अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र की निगरानी की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड की है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह सुरक्षा बल भारतीय नौसेना, मत्स्य विभाग और राजस्व विभाग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल के साथ साथ मिलकर काम करती है। ये हो गया बॉर्डर की बात। और अगर देश के अंदर की बात करें तो देश की आंतरिक स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की है। चुनाव के दौरान हो या नक्सलियों के खिलाफ अभियान हो, इन सभी में नागरिकों की सुरक्षा के लिए CRPF हमेशा तैनात रहती है। टूरिस्ट और इंडस्ट्रियल एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स यानी CISF की जिम्मेदारी होती है। यह सुरक्षा बल एयरपोर्ट, मेट्रो या बंदरगाह की सुरक्षा करती है। जो सरकारी बिल्डिंग वगैरह होती है ना, उसकी भी सुरक्षा CISF करती है।